अस्सलामुअलैकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह आप इंडोर तो बहुत देखते होंगे, तो आउटडोर भी मैं आपको दिखाती हूं। और आउटडोर में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी दिखाई, जितने इवेंट्स मैंने ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कवर किए हैं, उसी हिसाब से आज भी एक और इवेंट पर मैं आई हुई हूँ। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इश्तराक से जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, साथ ही साथ इनके इवेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और आज जो है इंसानियत की खदमत के लिए इन्होंने अपना एक और इवेंट रखा, जहां पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। और मेडिकल कैंप की जहां मैं इनकी बात करूं, तो मेडिकल कैंप इनका जो है वो लोगों के लिए लगाया जाता है, गरीब तबके के लिए लगाया जाता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग अपने टेस्ट नहीं करा सकते या जो लोग अपनी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर अरेंज की जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से आपसे थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊँगी भी कि किस तरीके से तमाम मेडिसिन रखी गई हैं, और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर जो है इन्होंने मधु किए हुए हैं, जो कि लोगों को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर जो है वो की जा रही हैं। और जैसे कि अगर मैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करूँ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करूँ, तो बार बार मैं आपको एक ही मैसेज देती हूँ कि यहाँ पर 15% की अदायगी के ऊपर आपको पोजेशन मिल रही है, यानी आप अपना घर बआसानी इस दौर के अंदर बना सकते हैं। इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, जिस तरीके से हम इनकी पॉलिसीज़ की बात करते हैं, इनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, जो कि मैं बार बार आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू आउट भी दिखा रही होती हूँ कि इस पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर, इस कोरोना की सिचुएशन के अंदर आप अपना घर बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अमूमन ऐसे हैं जो किराए के घरों में धक्के खा रहे होते हैं, ऐसे में आप यहाँ पर एक साथ की सूरत में यहाँ पर आप एक साथ अदा कर सकते हैं, और साथ ही साथ 15% की अदायगी के ऊपर आप अपने घर की चाबी बआसानी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आज बहुत सारी मारूफ शख्सियात को भी बुलाया हुआ है, उनसे भी उनके तासुरात जानेंगे कि वो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पॉलिसी से और इस प्रोजेक्ट से कितने ज़्यादा मुतमईन है। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो है डॉक्टर योगी वजाहत, स्पेशल गेस्ट हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक तो मेडिकल कैंप लगाया गया, और मैं देखती हूँ कि थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानब से और जिस तरीके से ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ काम कर रही है, उनकी जानब से ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं, और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इनोग्रेट करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों की आसानियाँ भी इसमें पैदा हो सकें। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वैसे तो आपने बड़ी तफसील बता दी, उसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा। ANI ग्रुप जो है और दूसरे जो तमाम तर मामलत करने वाले इदारे इस पर काम कर रहे हैं, ये कोई पहला काम नहीं है, इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट लगाए गए उसमें भी ये इस तरह मेडिकल कैंप्स करते हैं और खिदमत करते हैं। एक घर बनाना और घर वालों का काम ये आज इन्होंने किया, एक तो घर दे रहे हैं और फिर जो घर में रहेंगे उनकी भी तो सेहत देखनी है ना, तो ये बहुत खुशाइन बात है। एक ऐसे दौर में जैसे अभी तुमने खुद बेटा कहा कि हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें जो रह रहे हैं उनके लिए मुसीबतें हैं, तो जो लोग अब आगे रहेंगे और उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेडिकल कैंप में आज जितनी भी एक्टिविटी हुई वो आँखों के हवाले से थी, और ये बड़ा इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ही दरगुजर कर देते हैं। आँखों के मामलों में तो हम सिर्फ एक अरक गुलाबी डाल के काम चला लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आंखें सही हैं और सही दिखता है, तो फिर इंसान मुशाहदे का एक उसका जो बुनियादी इल्म हासिल करने का ज़रिया है वो मुशाहदा है, और मुशाहदे के लिए आंखें ज़रूरी हैं, तो जिनकी आंखें ही सही ना हो क्या मुशाहदा करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ना सिर्फ आंखों की सेहत के हवाले से बात की है, बल्कि एक पूरा सेहतमंद माहौल बनाने की बात की है। और एक जो प्रोजेक्ट मैं अभी देख के आया हूँ, आई थिंक मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस इलाके में इतने खूबसूरत इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, तो इस पर तो मैं ANI ग्रुप को और इनके तमाम मुतालिका ग्रुप्स को और मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन एक बात जो मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा वो ये है कि हम को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लोगों का ख्याल करने के वाले, जज्बात रखने वाले लोग कितने ज़्यादा हैं। ये आज यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई, हर चर बढ़ चढ़ के हर आदमी हिस्सा ले रहा है, कोई कहीं पर कोई काम कर रहा है, कोई कहीं पर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हमारे पास होनी चाहिए वो ये है कि हमें अपने लोगों को की कदर करनी चाहिए, जो काबिल कदर काम कर रहे हैं उनकी कदर करनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में हमें उसको देखना चाहिए, उसकी उसके बारे में अपनी राय को और बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जो कुछ हो रहा है उसको प्रमोट करें, जो लाइक आप मैं और ये चैनल इस वक्त जो कर रहा है, ताकि वतन के बारे में जो एक राय है लोगों की कि जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसमें हम भी वो ईंट रखें जिसकी एक खूबसूरत इमारत
जब बनेगी तो उसमें हमारी भी ईंट होनी चाहिए। और आज का दिन और आज का इवेंट वही एक ईंट है जो हमने वतन की तामीर में रखी है। बहुत खूबसूरत बात की है डॉक्टर योगी साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और जिस तरीके से सारी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज दोनों के इश्तराक से बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और मैंने पिछली दफ़ा भी कवर किया था और यहाँ पर मैंने देखा कि मेडिकल कैंप लगाया गया था, लोगों को फ्री मेडिसिन तक प्रोवाइड की गई और इस तरीके के इनिशिएटिव लोगों की खिदमत करना बहुत कम देखने में आता है। और साथ ही साथ यही नहीं, अगर हम इनके प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। तो कैसे आपने प्रोजेक्ट जब विज़िट किया तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है इनके लिए? देखो, बेसिकली डॉक्टर तो हूँ मैं होम्योपैथिक साइड पे, लेकिन हूँ इंजीनियर। तो एक इंजीनियर कुछ भी करे, इंजीनियरिंग तो उसकी आंखों में रहती है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी। और जब आप घर में दाखिल होते हैं, देखो बेटा, एक होता है एक घर, एक होता है मकान। ये मकान बना है, इसको घर कब बनाया जाएगा? जब इसमें घर वाले आके रहेंगे। तो मैं उस मकान को उस नज़र से देख रहा था कि जब ये घर बनेगा, इसमें लोग रहेंगे, तो उनकी सहूलतें क्या होंगी। तो वहाँ बेहतरीन स्पेस था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इन्होंने डिज़ाइनिंग की है उसके पीछे ना सिर्फ ये है कि स्पेस इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, बल्कि उस घर में जो बच्चे होंगे अगर वो खेलते कूदते हैं तो उनको रुकावटें नहीं होंगी। एक ये मेरे डिज़ाइन, बार बार दादा हूँ, नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, तो उस नज़र से भी देखता हूँ। फिर ये भी देखता हूँ कि अहले खाना, खातून खाना जब किचन में जाएंगी तो क्या वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर है, उनकी सेहत कैसे होगी। खिड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, दरवाजे बहुत अच्छे हैं, मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा गया है। मैं शायद इतना नहीं देख सका, लेकिन जितना मैं देख सका मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही लाइक और बहुत ही कामयाब किस्म का प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा गया। और जिस तरीके से मैंने खुद मॉडल अपार्टमेंट को विज़िट किया तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल अपार्टमेंट उन्होंने डिज़ाइन किए हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी बहुत बेहतरीन बनाया। और जिस तरीके से मैं अगर इनकी अदायगी की बात करूँ तो 15% की अदायगी के ऊपर पोजिशन मिलना आजकल के दौर में कहाँ देखने में मिलता है, ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये पहलू मैं पता नहीं क्यों नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने कह दिया। इन हालात में जबकि जो अर्निंग कर रहे हैं वो भी अर्न नहीं कर पा रहे, ये सहूलत देना तो एक ऐसा कार्य खैर है कि अल्लाह ताला इस पे इनको अजर खास दें। क्योंकि किसी की मामनत करना, आसानियाँ, हमारा दिन आसानी पैदा करना की बात करता है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब ये पता चला कि इन्होंने आसानी पैदा करने की बात की है। चाहे कि कोई भी आए, मैं भी लूँ तो मुझे भी वो सहूलत दे रहे हैं, कोई भी आए, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और अल्लाह ताला इनकी इस काबिश को कबूल फरमाए। आसानियाँ देने और आसानियाँ फैलाने वाले जो काम किए हैं पूरे प्रोजेक्ट में यही है, सिर्फ बुकिंग पे नहीं है, हर जगह मैंने देखा कि बड़ा सहूलत रखी है इन्होंने। तो एक आम आदमी जो सिर्फ ख्वाब देखता है, मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट उसकी ताबीर है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि एक आम आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने का ख्वाब देख सकता है, ये उसकी ताबीर लेकर एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज आए हैं। और हम होप करते हैं कि आगे भी इस तरीके के काम जो है वो जारी और सारी रहें। अच्छा, जिस तरीके से हम बात करें इनके प्रोजेक्ट के हवाले से, तो अगर आपने देखा हो तो इनके प्लान्स बड़े अच्छे हैं। जिस तरीके से 2-ईयर प्लान है, 5-ईयर प्लान है, 7-ईयर प्लान मैंने जब देखा तो अदायगी की सूरत हाल के अंदर बहुत बेहतरीन इन्होंने जो है रीज़नेबल प्लान्स रखे हुए और लोगों की उसके अंदर भी बड़ी मदद की हुई है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, अगर इंसानियत के काम करने के दो तरीके हैं, एक तो आप किसी को खिला दें, कहते हैं ना मछली पकड़ना सिखा दें, मछली दे दें, किसी के बारे में सोचना सिर्फ उन्हीं का काम है जिनको अल्लाह ताला ये इदराक देता है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जी हमें इसी सलाह दे दें, यही हमारा उसूल है, बल्कि उन्होंने हर इंसान के माली हालात और उसके वसाइल को जहन में रख के अपने ये प्लान्स बनाए हैं और बड़े जेन्युइन प्लान हैं। मैं सिर्फ देखने आया था, लेकिन इनका एक प्लान मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि मैंने अपने बेटे से कहा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, हमें पता है कि ये तो हम कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से किसी प्रोजेक्ट पे खड़े होकर ये ख्याल आ जाना कि आप ये ले सकते हैं, ये कितना खुश आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने कहा कि मैं अब लेकर ही जाऊंगा, तो मैं होप करती हूँ कि आप लेकर ही जाएंगे और अपना घर एक और जो है तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमारी ऑडियंस देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को क्या मशवरा देंगे, उन लोगों को क्या जो है अपनी थ्रू आउट पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि क्यों वो एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस प्रोजेक्ट की तरफ आएँ और अपना घर बआसानी बनाएँ? बेटा, जैसे कि अभी मैं गुफ्तगू में कह चुका हूँ कि नाना दादा हूँ, तो उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे मैं एक नसीहत करना चाहूँगा। मकान बहुत आसान है, कहीं से भी हम मकान खरीद सकते हैं, लेकिन उस मकान को घर बनाएं, रिश्तों को मजबूत करें, नातों को जोड़ें, कम्युनिकेट करें, मिलें अपने आप से,
ये नहीं कि खबर आए तो वो चले गए तो जाके खबर पर रोड़ लिए, ये रिश्तेदारी, ये जान पहचान नहीं है। वो जगह जहाँ आप बैठते हैं वो जगह बड़ी मुकद्दस है, अल्लाह ताला उस जगह को पसंद फरमाता है जहाँ मोमिनीन मोमिन बैठ के मुसलमान खाना खाएं। तो लिहाजा जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था या जो मैंने देखा, तो मैं ये कहूँगा कि इस जगह को लीजिए, एक मकान से घर तक का जो मामला है उसको इस तरह तय करें कि अपने रिश्तों को जोड़ें, और जोड़ने के लिए आपको छत की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है, वो यहाँ मिल रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है, और इसको क्या करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए कि बजाय इसके कि आप दो पिज़्ज़ा ज़्यादा खाएं, दोनों ना खाएं, उसको बचा लें और बचत की आदत डालें, और इस बचत की आदत को इनके प्लान के साथ सेट करें। कुछ दिनों के बाद बर्गर खा के जो नुकसान होता है वो आपको नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद एक फ्लैट की चाबी आपके हाथ में। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगी वजाहत, जिस तरीके से आपने अपने तासरात बयान किए और जिस तरीके से हम देख रहे हैं एनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वर्किंग को, के बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम दिया जा रहा है, और आगे भी उम्मीद यही करेंगे कि जितने इनके प्रोजेक्ट आएंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ ही जाएंगे। जी नाजीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इश्तराक से जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, रोज़ बरोज़ हम प्रोग्राम करते हैं इस सिचुएशन के ऊपर कि इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोज़गारी का खात्मा होना नामुमकिन नज़र आता है, ऐसे में दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल होता है आवाम के लिए। और अगर हम देखें तो एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करें या थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करें, तो उनके इश्तराक से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जो कि आवाम इस दौर के अंदर अपना घर बआसानी बना सकती है। 15% की अदायगी के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि 15% की अदायगी के ऊपर आपको पोजीशन मिल रही है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अपना घर बआसानी तौर पर हासिल कर सकते हैं, चाबी आपके हाथ में मौजूद होगी। जिस तरीके से हम प्रोग्राम के अंदर अपने गेस्ट को शामिल करते हैं, उनसे उनके तासरात पूछते हैं, उनके फीडबैक पूछते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसी तरीके से हमारे साथ आज एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि DIG मोटरवे हैं, आप बाखूबी जानते होंगे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी आपके सामने मौजूद है, नाम है मिस्टर अली शेर जाकरानी साहब, वेलकम करूंगी पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे मदद किया ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे प्लान पे जहाँ पे गुरबा और यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को आप वेलफेयर साइड पे कवर कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मिस्टर अली शेर जाकरानी साहब हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट के हवाले से, हम थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का काम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का काम देख रहे हैं, और आज यहाँ पर आप गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड भी हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 15% की अदायगी के ऊपर, मैं नहीं देखती कि कोई भी बिल्डर या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो 15% की अदायगी के ऊपर आपको घर दे रहा हो, पोजेशन दे रहा हो, कब्ज़ा दे रहा हो, क्या कहेंगे? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं आपके सवाल के। एक तो यह है कि जिस मुल्क में आपकी गुर्बत 40% पे पहुंची हुई है, दूसरी बात यह है कि गुर्बत अपनी जगह पे, पेंडेमिक की सिचुएशन यह है कि 2 साल से लेके टोटल आपका सिस्टम और हेल्थ पॉलिसी टोटल कोलैप्स हो चुकी हो, उन्हीं दोनों साइडों पे आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहाँ पे 15% पेमेंट पे आप पोजिशन दे रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप फ्री कैंप 80% लेबॉरटरी तक आप सोच रहे हैं कि उनको हम दे दें। तो मेरे ख्याल में जो पावर्टी एलिविएशन साइड और वेलफेयर साइड, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों एस्पेक्ट जो कवर कर ले मेरे ख्याल में, वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट वाला बिजनेस वाला काम नहीं है, ये एक ऐसा मैं कहता हूँ कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जहाँ पे आप मुल्क और कौम दोनों की खिदमत कर रहे हैं, दीन और दुनिया दोनों आप इसी जगह पर बैठ के कमा रहे हैं।
ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि दीन और दुनिया दोनों एक ही जगह पे बैठकर कमाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो किराए के घरों में अमूमन धक्के खा रहे होते हैं, और किराए का घर किराया अफोर्ड करना इस माहौल के अंदर हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ है, और जिस तरीके की महंगाई हम देख रहे हैं रोज़ पर रोज़ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अगर हम बात करें और जिस तरीके से ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कोलेबोरेशन से ये काम किया जा रहा है, इस काम के ऊपर क्या कहेंगे कि लोग जो हमारे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कहता हूँ यहाँ से इंस्पायर हो जाए। आपके पास एक रोल मॉडल जब पायलट प्रोजेक्ट एक आ जाता है तो कंपटीशन आप सिर्फ बिजनेस कमाने की बात ना करें, आप सर्विस डिलीवरी पे तवज्जो दें, अपने लोगों की खिदमत करें। यही लोग आप स्टेटा लोएस्ट जो स्टेटा है, ये गैप आपको पता है कि हमारे इलीट और लोएस्ट में जितना गैप है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इसी को आप हार्मोनाइज करने में कामयाब हो गए ना। ये रोल कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये वो इनकलाबी जहन कर सकता है, या तो उनकी माँ बाप की तरबियत उन्होंने इस तरीके से की है, या मुल्क के दर्द और तकलीफ़ ने उनको इतना एहसास दिलाया वो बाहर घूम फिर के आते हैं कि जी पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ साथ एक सुकून और हैप्पीनेस बड़ी बात होती है। ये अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन तब अचीव होता है जब आप किसी की खिदमत करके। देखें, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे ख्याल में ये किसी को शायद पता ही नहीं है, एक हदीस मुबारक भी इसमें है, अल्लाह सुबहान तआला क़यामत के दिन कहेंगे कि जी मैं गरीब था आपने मुझे क्या किया, मैं बीमार था आपने मेरे साथ क्या किया। ये सारी चीज़ें हमारे मजहब में भी है, हमारे सोसाइटी में भी है, हमारे कल्चर में भी है। अगर तरबियत हो तो ऐसे इनकलाबी, आपको बताया थारा ग्रुप और ANI जैसे ग्रुप पैदा होते हैं। मैं तो जहाँ भी इनके फंक्शंस में, जहाँ कहीं मेरी इंटरेक्शन हो जाती है, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि इनके इतने सारे पॉलिसीज कितने प्रो पब्लिक हैं। ये मैसेज सिर्फ उनको मैं दे रहा हूँ कि जी ये आपके प्रोजेक्ट हैं, आपके लिए हैं, और ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, तो आपकी कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि इनके लिए आप दुआएं करें, कि अल्लाह करे कि यही सोच हर बंदे का होना चाहिए, तो इनकलाब की ज़रूरत नहीं होगी, एक वो एवोल्यूशन की ज़रूरत होगी जो सोसाइटी आपको ये गैप भर के आपको एक मेडोकर सोसाइटी क्रिएट करेगा जो इस मुल्क की रिक्वायरमेंट। ठीक है DIG साहब, जिस तरीके से आपने बात की, और आज अगर हम देखें और आज क्या अगर हम दीगर इवेंट्स देखें थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानब से जो होते हैं, और एक थारा फाउंडेशन की जानब से जो मेडिकल कैंप लगाया जाता है लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, और जिस तरीके से सिर्फ मेडिकल कैंप की हद तक ही हम नहीं देख रहे, और जिस तरीके से काम हो रहा है वहाँ पर, और डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है, मायानाज डॉक्टर वहाँ पर कैंप पर मौजूद होते हैं, साथ ही साथ दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं, मेडिकल चेकअप फ्री हो रहा है, अल्ट्रासाउंड के टेस्ट फ्री हो रहे हैं, जो अमूमन एक इंसान एक मिडिल क्लास तबका अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो थारा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की जानिब से जो है वो तमाम काम हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो, जो नेकी वाला काम है ना, वो हर बंदे के नसीब में नहीं होता, ये बड़े नसीबों वाले हैं जिनको ये काम नसीब हो जाते हैं। वही चीज़ जहन में रख के आपको पता होना चाहिए कि दर्दमंद जो इंसान है उनके आह क्या निकलेगी, लोगों की दुआएं आप जीत रहे हो, आप एक मैसेज दे रहे हो, दुनिया को मैसेज दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये कराची में जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, आपको पाकिस्तान के किसी कोने में ये शायद इनिशिएटिव इस लेवल की ना मिले। इसलिए तो कहते हैं कि कराची एक गरीब परवर शहर है, कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची दुनिया में वो है कि गरीब तरीन इंसान भी यहाँ रह सकता है और अमीर तरीन इंसान भी यहाँ रहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये थारा ग्रुप और प्लस अपना ANI वालों के एफर्ट्स यूटिलाइज करने चाहिए, उनको अप्रीशिएट करना चाहिए, उनको ये कहूँगा कि कम से कम कॉपी की जाए कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जैसे हमारी सोसाइटी की बेहतरी हो। 15% की अदायगी के ऊपर आप जो है अपना घर हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से DIG साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और जिस तरीके से सारी बातें हुई आपने सुनी होगी बाखूबी के, जिस तरीके से ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ काम कर रही है, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मिलकर जो ये प्रोजेक्ट लेकर आया है बेहतरीन प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, यहाँ पर आकर देखें बुकिंग का सिलसिला किस तरीके से जारी है, बहुत कम यूनिट्स रह गए, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर आएँ और अपनी बुकिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर करवाएँ।
नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से कि जिस तरीके से वर्किंग हो रही है और जिस तरीके के प्रोजेक्ट ये लोग लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। कि हम लोग अगर इसकी बात कर रहे थे तो इसके अंदर 15% की अदायगी के ऊपर आपको पोजीशन मिल रही है। इस हवाले से बहुत सारी जो है हमने बात भी की लोगों से और जिस तरीके से उन्होंने अपने तासरात बताया, और सबके डिसीजन अलग अलग होते हैं। और इसी तरीके से आपको बार बार दिखाने का मकसद यही है कि जिस तरीके की वर्किंग हो रही है उस हवाले से आप लोग के लिए इस दौर के अंदर ये तमाम सिचुएशन के अंदर अपना घर बनाना, जो कि बहुत मुश्किल ख्वाब नज़र आता है तमाम लोगों के लिए, वो बहुत आसान बना दिया है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से। बहुत इजी जो है वो आपके लिए वे लेकर आए हैं जिसको अगर आप कैरी करें तो आप अपना घर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं वो है मिसबा, जो कि हैं रोमान रईस फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी। मिसबा, वेलकम करूँगी सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, आपसे भी जानना चाहूँगी, यहाँ पर आप आए हुए काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर आपने आके जिस तरीके से माहौल भी देखा होगा, सब जजमेंट भी की होगी कि थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जो काम हो रहा है, जिस तरीके की 15% की अदायगी के ऊपर पोजीशन मिल रही है, क्या कहेंगे? बहुत सरप्राइजिंग भी है एक्चुअली। जैसे कराची जैसे सिटी के अंदर 15% पे अगर आपको प्रॉपर्टी मिलना, मतलब पोजीशन मिलना शुरू हो जाए, इट्स क्वाइट रिमार्केबल। और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ANI ग्रुप को भी और थारा ग्रुप को भी, क्योंकि ये देखें आजकल के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ मिलना मतलब बहुत पॉसिबल नहीं लगता हम लोगों को। और उसमें ANI ग्रुप, और उम्मीद है जैसे मुझे सुनने में भी आ रहा है, आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो कराची के लिए और उस आवाम के लिए जिनको इसकी नीड है एक्चुअली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है मिसबा, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, और जिस तरीके से कराची की आवाम को नीड है उस हिसाब से जो है वो तमाम कराची की आवाम का सोच कर मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, आज इन्होंने मेडिकल कैंप भी लगाया, और पिछले गुज़िश्ता हफ्ते भी मैंने देखा कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ था, आपने ख़ुद भी विज़िट किया यहाँ पर, कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे, फिर जो है फ्री दवाइयाँ भी दी गई, फ्री मेडिकल कैंप लगाया हुआ था लोगों के लिए, अल्ट्रासाउंड के टेस्ट भी फ्री थे, आई चेकअप भी फ्री था, क्या कहेंगे? देखें, चाहे वो कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, आम आवाम जो है वो अस्पतालों से डरती ही है, और आजकल जो कोरोना की सिचुएशन आई हुई है उसके बाद तो मतलब कोई भी बीमारी होती है तो इंसान को यही डर होता है कि उसे कोई कोविड हो गया है। तो उस सिचुएशन में SOPs का ख्याल रखते हुए एक ऐसा मेडिकल कैंप लगाना और ऐसी जगह लगाना जहाँ लोगों को फ्री में, तो कुछ फ्री तो क्या, मतलब कम पैसों के अंदर भी ऐसी सहूलियात मुयसर नहीं होती। तो एक बार फिर मतलब मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ दोनों को, ANI ग्रुप को भी और थारा फाउंडेशन को भी। हम भी उनके साथ इसी वजह से मिले थे कि वो एक बहुत अच्छा कॉज है। हमारी फाउंडेशन भी शुरू से ANI ग्रुप के साथ वही प्रोजेक्ट्स करती है जिसमें लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ मुहैया हो। और आगे भी चल के हमारे कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो ANI ग्रुप के साथ हम अनाउंस करेंगे, इंशाल्लाह आपको वो न्यूज़ मिलेगी। तो वो भी ऐसे ही लोगों के लिए है जो मतलब इन चीज़ों से महरूम है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने फाउंडेशन की बात की, तो वाकई रोमान रईस फाउंडेशन भी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहती है, और जिस तरीके से थारा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की हम बात करें तो उनकी खिदमत भी ऐसी ही होती हैं, और जिस तरीके से अगर आगे फ्यूचर में वर्किंग हो रही है वो भी बड़ी अच्छी वर्किंग हो रही है, क्योंकि एयर एम्बुलेंस भी लाने का सोचा जा रहा है, और जो है लेबॉर्ट्रीज़ का क्याम भी सोचा जा रहा है कि जिसके अंदर जो है वो हाई लेवल की टेस्टिंग भी होगी, और जिस तरीके के काम सोचे जा रहे हैं तो वो तो एक कहते हैं ना कि बेहतरीन सोच की अक्कासी है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये हम तो वैसे ही बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे हैं, और अब ये लॉन्च होने जा रही है तो मतलब इससे बेहतर स्टेप पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ हो नहीं सकता कि एयर एम्बुलेंस और दूसरी चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लैग करते आ रहे हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले लें, फिर मेडिकल फैसिलिटी से भी आप ले लें, तो अब अगर कोई ना कोई इसमें आगे आ रहा है तो मिल के लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जो आज तक पाकिस्तान में या स्पेशली कराची में बुरे हालात में लोगों को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, बारिशों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, तो उनको भी चाहिए वो आएँ, आगे बढ़ के इनके साथ पार्टनरशिप करें और इनको सपोर्ट करें कि जहाँ अल्लाह ना करे कहीं लैग कर रहे हों तो उनको भी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आपने कहा मिसबा के इनको सपोर्ट करना जो है ना, इंसानियत की खिदमत वाले लोग बहुत कम मिलते हैं माशरे के अंदर, और अगर माशरे की बेहतरी के लिए कोई काम कर रहा हो तो उसको सपोर्ट करना हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा एजेंडा होना चाहिए जिसको हमें लेकर जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने देखा कि सुबह से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया हुआ था, मेडिकल कैंप का इनेकाद किया इन्होंने, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी आए, लोगों ने अपने इलाज भी करवाए, यहाँ पर मेडिसिन भी लेकर गए, टेस्ट भी करवाए, तो एक मिडिल क्लास तबके की अगर हम बात करें और लोअर क्लास
खास तबके की बात करें तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना और इस तरीके के टेस्ट के जो है करवाना, जो कि बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि आई का टेस्ट करवाना और इस तरीके से अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट की जो सहूलियात यहाँ पर थी, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तो अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता जो कीमत होती है। तो इस हवाले से थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बड़ा बेहतरीन काम किया कि आज लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, खराज तहसीन ही पेश करेंगे, क्योंकि हम लोग भी ऑन डेली बेसिस में, हमारी फाउंडेशन भी रिसीव करती रहती है रिक्वेस्टें जिसमें मेडिकल के अखराज बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं आजकल के दौर में। तो इस दौर में और इस सिचुएशन के अंदर जो थारा ग्रुप ने काम किया है और ये मज़ीद करने जा रहे हैं अगले वीकेंड्स भी, तो ये एक बहुत मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस, फिर वही बात मैं बताऊंगा कि जिस एरिया में एक्चुअली लोग कैंप्स लगाते हैं वो ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे लोगों को नीड नहीं होती, मगर ये एक वाहिद वो ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं अभी थ्रू आउट आया हूँ, अभी भी स्टिल देख रहा हूँ कि जो आवाम आ रही है और जो टेस्ट भी करवा रहे थे वो डेफिनेटली वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसमें उनको सपोर्ट करना और इस मौके पे जब कोविड की ऐसी सिचुएशन है, अस्पतालों की ऐसी हालत हुई हुई है और मेडिसिन डे बाय डे एक्सपेंसिव पे एक्सपेंसिव, नॉर्मल डेली रूटीन की मतलब आप जो खाती हैं दवाइयाँ वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, उस सिचुएशन में ये काम करना खराज तहसीन ने। बिल्कुल मेज़बान ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी ये लोग लेकर आए हैं, तो जल्द से जल्द आप जितनी जल्दी यहाँ पर आके अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स बहुत कम रह चुके हैं। और जिस तरीके से हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो अपना घर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हमारे साथ जो इस वक्त अभी मौजूद हैं वो है मोहम्मद मिनहाज, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। मोहम्मद मिनहाज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आज मेडिकल कैंप भी लगाया गया ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से, और हम देख रहे हैं कि रोज़ पर रोज़ जो है इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पर, और बहुत बेहतरीन तरीके से इवेंट्स को लेकर चला जाता है, और जिस तरीके से काम किया जा रहा है यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि गरीबों के लिए आप लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया, वहाँ पर फ्री फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि एक सेल्स एक्टिविटी के साथ साथ जो है वो ANI ग्रुप और थारा ग्रुप मिलके जो है वो निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन और थारा फाउंडेशन के मातहत जो है वो हमने ये मेडिकल कैंप जो है वो इनेकाद किया था यहाँ पे, जिसके अंदर एरिया के और मुख्तलिफ जो हमारा विजन है, जो थारा फाउंडेशन का और ANI का विजन है, वो यही है कि लो कॉस्ट जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो आजकल के दौर में जो है वो मुफ्त चीज़ें किसी को भी प्रोवाइड नहीं की जाती, और मेडिकल ख़ासतौर पर ऐसा एक शोबा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव लोगों के लिए होता है, तो उसके लिए हमने लोगों की रहनुमाई के लिए जो है हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप यहाँ पे मुनक़द किया गया, जिसके अंदर फ्री चेकअप किया गया, आई चेकअप किया गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया गया, और इसके अलावा जो है वो मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई फ्री में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, सुबह से काफ़ी लोगों का जो है वो रश था, लोग आ रहे थे, अपने आप को जो है वो टेस्ट वगैरह करवा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है जिस तरीके से हमने पहले भी बात की। अच्छा, मॉडल अपार्टमेंट की बात करें तो मॉडल अपार्टमेंट बहुत बेहतरीन था, उस पर क्या कहेंगे कि मॉडल अपार्टमेंट की मज़ीद फर्निशिंग कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, मॉडल अपार्टमेंट हमारे जो है वो दो कमरों के और तीन कमरों के ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, वो हमने विजिट भी करवाए हैं काफ़ी लोगों को, और वही हमारे मॉडल जो है वो लोगों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास ANI के पास एक चीज़ और अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जो लोग यहाँ पे कम पैसों के अंदर अपना घर हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन मतलब लाइक फर्निश करवाना चाह रहे हैं, तो ANI ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो उसके अंदर भी अपना पार्ट पूरा का पूरा अदा करता है, और लोगों को अगर फर्निश अपार्टमेंट बनवाना है तो वो भी हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ठीक है मोहम्मद मिनहाज, बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने बताया, और बाकी फर्निश अपार्टमेंट बनवाना और ANI ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो साथ ही साथ यूनिट्स तो दे रही है लेकिन उसको फर्निश करके भी दे रही है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मिनहाज। हमारे साथ जो अभी इस वक्त मौजूद हैं वो है शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के से लिंक करते हैं। आपको पहले तो वेलकम करूँ जी।
मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपसे ये जानना चाहूंगी शकील साहब, जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के में और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, सबसे पहले तो ये बताएं कि 15% की अदायगी के ऊपर पोजीशन मिल रही है, जो गरीब तबका है, लोअर क्लास तबका है, वो लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आकर जो है वो अपना घर बना सकते हैं बआसानी, क्योंकि इस पैंडमिक की सिचुएशन भी आपके सामने है, इस दौर की सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो वैसे सरप्राइज हो गया। रीज़न ये है कि आजकल तो आप पैसा लेके भी घूम रहे हो तो शायद आपको चीज़ें नहीं मिलती, और फिर यहाँ पर तो आप रहते हुए पैसे देते रहें और वो भी सिर्फ 15% दे के कब्ज़ा हासिल कर लें, और पाकिस्तान में तो मशहूर है कब्ज़ा सच्चा, यानी कि रहने वाला जो है वही मालिक है। तो सिर्फ आप रेंट अगर आपने कहीं और देना है तो यहाँ रेंट भी देते रहें और घर में रहते रहें। तो मेरा ख्याल है कि जो थारा ग्रुप का और ANI का जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है, और 300 फैमिलीज़ को यहाँ आबाद करना एक बहुत बड़ा कमाल है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा एक ही बात करते रहे बेचारे के लोगों को सर छुपाने की जगह होनी चाहिए उनको, लेकिन असल काम तो ये है जो थारा ग्रुप कर रहा है या ANI ग्रुप कर रहा है। क्योंकि देखें, आप जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे कंज्यूमर को, उस वक्त तक वो ख़रीद नहीं सकता। और इस वक्त हमारे पास जिस तरह कोविड की सिचुएशन रही, लोगों के पास कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, और उस कंडीशन में आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ जाएँ और इतने अच्छे तरीके से लोगों को दें, और फिर रहते हुए मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ। और मैं फिर जब मैं अंदर गया हूँ, जो मैंने जिस तरीके से प्रोजेक्ट को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा एक छोटा सा कराची आबाद होने जा रहा है, और ऐसा कराची आबाद हो रहा है कि जो बहुत कम वसाइल रखने वाले लोगों के लिए होगा, जो माली तौर पर ज़्यादा पैसे नहीं रख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको आसाइश आराइश एक अच्छे तरीके से यहाँ मिलेगी। तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ अभी तक कि अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में आज जिस तरीके से मेडिकल कैंप्स लगा और दीगर जैसे चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक नायाब काम है। और मैं तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, ताकि इस तरह के मजीद कराची में प्रोजेक्ट्स हों, पाकिस्तान में हों, ताकि जो कुव्वत खरीद नहीं रखते बेचारे उनको घर और सर छुपाने की जगह मिल सके। ठीक है, जिस तरीके से आपने माशाल्लाह दुआएं भी दी हैं इन लोगों को, और वाकई इंसानियत की खदमत के लिए बेहतरीन काम किया जा रहा है। और अगर हम इनके मॉडल अपार्टमेंट की बात करें तो आप ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने ख़ुद भी विज़िट किया। तो कहते हैं ना कि बिल्डर और प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा अमूमन हमने ये देखा है कि दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं, लेकिन ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और दूसरा ये कि उनके अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है प्रोजेक्ट के अंदर वही चीज़ जो है वो लोग लॉन्च करके लोगों को भी देते हैं। तो लोग किस तरीके से अपना ट्रस्ट बिल्डअप करें, आपने ख़ुद भी यहाँ पर देखा पूरा मॉडल अपार्टमेंट भी, इनके प्लान्स भी, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं यहाँ ये बता दूँ, मैं चूँकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बनी हुई है काउंसिल उसका मैं मेम्बर हूँ सिंध में, जो कि कोर्स होती है उसका, तो हमारे पास बिल्डर्स की बहुत सारी शिकायत आती है कि हमने पैसे जमा कर दिए अब कब्ज़ा नहीं मिल रहा। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, यानी कि कब्ज़ा आपको पहले दिया जा रहा है, यानी कि आपने 15% जमा कराने और कब्ज़ा आपके हाथ में, आप जाएँ रहें और उसके बाद रहते हुए दें। तो वो तो शिकायत मेरे ख्याल जो हमारे हम तक पहुंचती है वो तो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। और बाकी जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं ना कि इस तरह जो लोग आएंगे वो रहेंगे, तो डेफिनेटली सी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत इसी चीज़ की है। क्योंकि देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि ज़राए आमदनी जो है ना वो बहुत कम हो चुका है, यानी कि जो कोविड एक तो उसकी वजह से, वैसे भी जो माशी हालात हैं वो उसकी वजह से, और ऐसे मौके पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाकर लोगों तक पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना, और फिर उसमें खुदा ना खास्ता शिकायत ना हो। और इस वक्त कई ऐसे बिल्डर्स हैं, मैं शायद नाम भी जानता हूँ ले नहीं सकता हूँ, लेकिन जिनकी शिकायत हैं, लेकिन यहाँ तो 0% हो गया ना, शिकायत वाला आंसर ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही एक। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो ये दाग बिल डाली है, ये शायद मुझे लगता है कि ये दूसरे जो बिल्डर्स हैं उनको इस तरफ अब कन्वर्ट होना पड़ेगा, उनको इस तरफ आना पड़ेगा, उनको इस तरह काम करना पड़ेगा, उनको इस तरह कब्ज़ा देना पड़ेगा, और यही आने वाला वक्त मुझे लगता है कि वो इस तरफ लेके जाएगा कि बजाय आप बैंक से कर्ज़ा लें, बैंक की मिन्नतें समाजतें करें, बैंक को कहें कि जनाब ये श्योरिटी है ये नहीं है मेरे पास, तो कम से कम यहाँ रहते हुए आपको किसी की श्योरिटी की और उसकी जरूरत ही नहीं है, 15% दें और कब्जा लें। नाज़रीन, जिस तरीके की बातें आपने सुनी है कि ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इश्तराक से जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोअर क्लास तबका और मिडिल क्लास तबका है उनके लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आए गए हैं। तो अपना घर बनाने में देर नहीं करें, जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और अपने घर की बुकिंग करवाएं।
नाज़रीन, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज का आज जो है वो इवेंट रखा गया और यहाँ पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, और जिस तरीके से अभी बुकिंग ऑफिस के अंदर मैंने बात की कि बुकिंग का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है और यहाँ पर इन्होंने बड़ी जो है मारूफ शख्सियात को भी जो है बुलाया हुआ है, और जिस तरीके से मारूफ शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं और अपने कॉमेंट्स दे रही हैं, अपने एक्सपीरियंसिस शेयर कर रही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है, बड़ा मौसर साबित हो रहा है, क्योंकि अगर अच्छा काम किया जाता है तो उसके लिए अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अंजुमन इरफान हैं, सिंगर भी हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, वो भी यहाँ पर मधु की कही हैं आज ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इवेंट में। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आकर आपका क्या आइडिया है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रही हैं थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का इनिशिएटिव और जिस तरीके से ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ये प्रोजेक्ट लेकर आई है, क्या कहेंगी इस पर? अस्सलाम वालेकुम। थारा ग्रुप एंड ANI ग्रुप के ताबून से टाइम रेजिडेंसी सुपर लग्जरी अपार्टमेंट इन्होंने बनाए हैं और ये पाकिस्तान के हिस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट है जो इतनी कम परसेंटेज के ऊपर और उन औसत घरानों में जो अफोर्डेबल नहीं हैं उनके लिए इन इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना, और इन्होंने इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र उनको दी कि आज देखें यहाँ पे कितनी गहमा गहमी है, कितने लोग मौजूद हैं, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ। और इस तरह की जो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मैं चाहूँगी कि मेरी एक रिक्वेस्ट है वाया मीडिया के वो लोग भी आगे बढ़ें और आवाम, क्योंकि हम ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जब यकजहती होगी, यूनिटी होगी, उनको मौके फराहम किए जाएंगे तो कोई भी बेघर नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगी कि न सिर्फ ये कि इन्होंने इतने कम अमाउंट पर और एक ऐसा घर के किराए के घर में जैसे हम रहते हैं वहीं पे 5 से 7 साल की एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट के साथ आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं, और उसके साथ में इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप का भी आज इनेकाद किया था जहाँ पर अल्ट्रासाउंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ में आँखों का चेकअप वो उन्होंने दिया, और मतलब अनबिलीवेबल, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स कि इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दी है, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात करी हैं, तो आज वाकई, और आज ही नहीं, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के हम जितने भी वो देखें इवेंट्स देखें तो वो बहुत बेहतरीन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में पेश किए जाते हैं लोगों के लिए और लोगों के फ़ायदे के इवेंट्स होते हैं जहाँ पर वो लोग जो है लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ख़ुद आई हैं, यहाँ पर आपने विज़िट किया, इनके मॉडल अपार्टमेंट्स भी आपने देखे, यहाँ पर इनकी पॉलिसीज़ भी आपने सुनी, कैसी लगी इनको पॉलिसीज़, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज है हमारे व्यूअर्स को, हमारी नाज़रीन को, कि वो आएं और इस गो के आज लास्ट डे था उनका, लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं, फ्लैट्स ऐसे हैं कि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बहुत फ्लैक्सिबिलिटी है इनके पास, कि जैसे भी हो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और विजिट ज़रूर कीजिए, और यहाँ पर आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, अपने ख्वाबों को सजा के लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुमन इरफान, जिस तरीके से अंजुमन इरफान ने गुफ्तगू की कि वाकई यहाँ पर आप आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे बल्कि अपने घर की चाबी यहाँ से लेकर ही जाएंगे, क्योंकि जितने अच्छी इनकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से ये लोग तमाम चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं, और जो इनका इनिशिएटिव है वो मैंने बहुत कम बिल्डर्स का देखा, बहुत कम क्या, मैंने देखा ही नहीं, बहुत यूनिक तरीके से ये लेकर चल रहे हैं तमाम चीज़ों को। तो आप लोग देर नहीं करें, यहाँ पर आएँ और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, यहाँ पर आकर बुकिंग कराएँ। और जिस तरीके से मैं बात करती हूँ ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के काम के हवाले से, तो यहाँ पे जब भी मैंने इनकी वर्किंग की बात की है तो जो मिडिल क्लास सबका और लोअर क्लास सबके की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए ये घर बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आए हैं। और आजकल के दौर में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर जो है अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसी सूरत हाल में ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो प्रोजेक्ट आपको आपका घर बनाने में बहुत आसानी फराहम कर सकता है। जो किराया आप बाहर फेस कर रहे होते हैं, जो किराया आप बाहर दे रहे होते हैं, वो आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे सकते हैं और 15% की अदायगी के ऊपर आप बआसानी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो देर नहीं करें, जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ, इनके पास बहुत कम यूनिट्स रह गए हैं, तो जितनी जल्दी आप यहाँ पर आएंगे उतनी जल्दी अपना घर बना सकेंगे।